तो सबसे पहले तो गाइस यहाँ पे आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड साइड में ना आप लोगों को घंटी का बटन दिखाई देगा, आप लोग ना इसी पर क्लिक कर देना एंड ऑल पर सेट कर देना, ताकि आने वाला वीडियो ना आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ टेक्निकल विनीत एंड स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आजकल का ज़माना है इंटरनेट का ज़माना। आजकल के ज़माने में प्रत्येक लोगों के पास 4G 5G स्मार्टफोन होना बहुत ही ज़रूरी हो गया, क्योंकि दोस्तों आजकल के ज़माने में लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन काम एंड जितने सारे अभी वर्क होते हैं ऑनलाइन वर्क ज़्यादा किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देना कि कुछ बहुत वर्क आप सभी लोग भी अपने मोबाइल से कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देना कि आप सभी लोगों के लिए मैं आज की इस वीडियो में स्पेशली लेकर आया हूँ नोकिया कंपनी का एक बेस्ट स्क्रीन टच मोबाइल। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देना कि नोकिया कंपनी बहुत ही कम स्क्रीन टच मोबाइल बड़ा मोबाइल लॉन्च करता है, लेकिन जब भी लॉन्च करता है इसके अंदर में कुछ तगड़ा फीचर्स देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देना कि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ नोकिया कंपनी का एक न्यू फोन जिसका नाम है दोस्तों नोकिया X200। इसका नेम है, आप सभी लोग ध्यान देना। ओके, इसके अंदर में दोस्तों बहुत सारे ऐसे फीचर्स दिया गया है जो कि दोस्तों आप सभी लोगों को नॉर्मल फ़ोन के अंदर में नहीं देखने को मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देना कि इस फ़ोन के अंदर में बैटरी पावर देखने को मिलेगा 7100 mAh का, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिया गया है। एंड गाइस यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देना कि आप सभी लोग भी इस फ़ोन में गेमिंग करना चाहते हो ना, तो दोस्तों इसके अंदर में 8GB रैम एंड 256GB इनका इंटरनल स्टोरेज से भरपूर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान देना कि 2022 आने के बाद नोकिया कंपनी का एक अच्छा खासा एंड बेस्ट कैमरा लेंस वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हो ना, तो दोस्तों आप सभी लोग इस नोकिया फ़ोन को ले सकते हो। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे कैमरास की, तो इनके बैकग्राउंड का जो बैक रियल कैमरा देखने को मिलेगा 200 MP पर अवेलेबल है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। एंड दोस्तों आजकल का ज़माना है सेल्फी लेने का, तो गाइस आप सभी लोग भी इस फ़ोन के अंदर में सेल्फी लेना चाहते हो फुल HD+ में, तो इनका इनफ्रंट की सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा 64 MP का। तो दोस्तों नोकिया कंपनी का या न्यू फोन कैसे लगा जरूर बताना। इसी प्रकार का और भी आप सभी लोगों को चाहिए वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।